एंट्री वाले मामले में पहली बार ये मैसेज आया है कि जो एनडीए के एलाइज हैं उनके दबाव में हुआ है, ये पहला मैसेज है। चिराग पासवान ने साफ कल मीडिया के सामने बुला के कह दिया, तो पहली बार ये दबाव है कि साहब ये एनडीए के जो एलाइज हैं उनके दबाव में हुआ है। और दूसरा, इस प्रकरण में मैं आप अखबारों की कवरेज उठा के देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने आधे पेज की स्टोरी छापी है बहुत शानदार, और उसने बताया है कि सन 55 से लेके 52 से लेके अब तक किन किन की लेटरल एंट्री राजीव गांधी, नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी सबने कराई थी, मोन्टेक सिंह, आलूवालिया, पटेल सबके, विमल जालान सबकी दी, सबका हिस्ट्री छापी है। मीडिया सपोर्ट कर रहा था इस मामले पे सरकार को, लेकिन ये अचानक ही जो है मोदी जी को पता नहीं, वो ही चमत्कार करने की आदत है कि साहब सारा मीडिया साथ खड़ा हुआ था, आपने कृषि कानून वापस ले लिए। और हर्ष जी जो है वो जयपुर डायलॉग एनुअल समिट में भी आएंगे, उनसे आपको यदि भेंट करनी हो तो आप लोग अवश्य आएं। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, इस बार हर्ष जी भी आएंगे और भी बहुत सारे लोग आएंगे, तो आप लोग पूरी तरह से यहाँ आए, रजिस्टर कराएं और इस पूरे आयोजन में भाग लें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और आज हम बात करेंगे कि भाई ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये सब क्या हो रहा है मामला। और आरंभ करने से पूर्व हम हर्ष कुमार जी हमारे साथ हैं, उनके साथ हम जुड़ गए हैं। आरंभ करने से पूर्व आपको याद दिला देते हैं एक बार फिर से, 25, 26, 27 हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024, इसका आपके सामने जो आ रहा है क्लार्क्स आमेर में होगा ये कार्यक्रम, इसकी क्राउड फंडिंग जारी है, उसमें आप कृपया कंट्रीब्यूट करें, योगदान करें, सहयोग करें, जिसके लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आ जाएगा एक क्यूआर, उस क्यूआर को स्कैन करके जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी आरम्भ हो चुके हैं सभी कैटेगरीज के। आइए मिलते हैं हर्ष कुमार जी से। हर्ष जी, आप के जो मीडिया के बंधु हैं, जैसे हमारे राजदीप जी भी हैं, वो राहुल गांधी के बारे में इतना तगड़ा डिस्क्लोजर हुआ है, उनके इतने सारे बच्चे पाए गए हैं, उनकी इतनी बीवियां पाई गई हैं, उनके साथ पता नहीं कितने सारे गर्भपात हुए हैं और कितनी सारी गर्लफ्रेंड मिली है, म्यांमार में कोई एक जगह बताई गई, कौन सा गार्डन है, ग्रीन गार्डन या क्या, वो पता चला है, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई मेनस्ट्रीम मीडिया में चर्चा ही नहीं है, बीजेपी के जो हैंडल्स हैं वो भी बात नहीं कर रहे। इस मुद्दे पे मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा लोग संभल के चल रहे हैं, और चूंकि ये जो एक्सक्लूसिव जो सो कॉल्ड जो खबरें चल रही है ये सारी की सारी बांग्लादेश से आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा लोग इसमें संभल के भी काम कर रहे हैं। ये किसी भारतीय मीडिया कर्मी का तो खुलासा है नहीं, वो जो द ब्लिट्ज वाले हैं सलाउद्दीन साहब, उनका खुलासा है ये, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भारतीय मीडिया इस पे सजग है और वो अलर्ट होके चल रहे हैं। सजग नहीं है, लगता है वो डरने लगे हैं आजकल राहुल गांधी से। नहीं नहीं नहीं, मेरा मानता है कि सजग ही है, वो सब इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहते अभी फिलहाल, मामले दूसरे बहुत सारे चल रहे हैं। पढ़ने ऐसी चीज है क्या जिसमें पढ़ना नहीं चाहिए, ये वेरोनिका की बात तो बहुत पुरानी है, यही तो थी जिसके साथ राहुल गांधी बॉस्टन में पकड़े गए थे, अटल जी ने छुड़वाया था। नहीं वो सब पूरा बहुत पुराना बात हो गया, वो तो फिर लोगों को दोबारा रिकॉल कराना पड़ेगा, आउटलुक वगैरह ने जो स्टोरी छापी थी उस समय, शायद आप उसी की बात कर रहे हो, तस्वीरें भी आई थी उस समय की। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस मुद्दे को अगर ज्यादा तूल देगा मीडिया तो कोलकाता वाला और जो दूसरे इश्यू चल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि उसी से ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। आज जो है राजीव गांधी का जन्मदिन है सर, आप और एक चीज पूछ लेता हूँ आपका, भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको पता है जो कुछ भी चलाता है, बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी तो चलाता है ना। नहीं तो वो तो फिर उस अगर आप मेन 24 घंटे अगर आप एक ही बात करेंगे तो लोग आपके चैनल को छोड़ के चले जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात तो मेन स्ट्रीम मीडिया के बस की बात नहीं है इसे चलाना, इसे तो हम और आप ही चला सकते हैं, इतना दम तो हम और आप लोगों में ही है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया के बस की बात नहीं है कि इस पे चार लोगों को बैठाएं और डिबेट करा लें, ये तो बहुत फिर मामला
दिक्कत वाला हो जाएगा मीडिया वालों के लिए। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में इवन मैं तो कह रहा हूं कि जो सो कॉल्ड जिसे कहते हैं ना कि जर्नलिज्म करेज, ये जो है टैग लाइन देने वाले जो है इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार, उनकी हिम्मत नहीं है कि इसका खंडन ही छाप दे। क्या चलिए ठीक है, एक एक बांग्लादेश के पत्रकार ने इस तरह से कहा है, खुलासा किया है तो। और मुझे लगता है कि उसमें उसके बाद जो उन्होंने राहुल गांधी पे तो दिया ही, फिर उसके बाद जो उन्होंने सोनिया गांधी और सब पे देना शुरू कर दिया ना, तो सबको ये भी लग रहा है कि यार ये एक राहुल गांधी के अगेंस्ट जो है कोई एजेंडा स्पेशली चलाया गया है। तो सर उसमें जो भी खबर दी गई है वो प्रामाणिक है, आप देखिए विद रेफरेंसेस विद कोटेशन विद न्यूज क्लिपिंग सब है उसके अंदर। नहीं वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो प्रमाणिक है, उसके हिसाब से तो वो प्रमाणिक ही लेके आया है, खबरें छपी हुई हैं, तस्वीरें भी दे रहा है वो, सही बात है आपकी, और ये पहले भी छपी हैं, और ये अटल जी वाले समय की जो आपने बात बताई ये खबरें भी छपी हुई हैं, हमने खूब पढ़ी हैं, ये तो खूब मैगजीनों में छपी भी हैं उस समय। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो मीडिया है, देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इस बार जब से राहुल LOP बने हैं उसके बाद से राहुल को लेकर मीडिया उतना आक्रामक नहीं है, खासतौर से जिस मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात कर रहे हैं वो उतना आक्रामक बिल्कुल भी नहीं है। और उसे ये भी लगने लगा है कि यार ये राहुल गांधी की जो पर्सनैलिटी है अब लोगों में इसकी स्वीकार्यता पहले के मुकाबले ज्यादा है। अब आपने देखा होगा कि पप्पू बालक बुद्धि ये सब चीज भी ज्यादा चल नहीं पा रही है इस समय, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की इसे चलाने की लेकिन ये बन नहीं पाई बात। सर मैंने तो किया था पप्पू की रंगरेलिया के हिसाब से तो बहुत जबरदस्त था। नहीं वो ठीक है लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप और हम ही कर सकते हैं ये सब, और कोई नहीं कर सकता, सोशल मीडिया पे ही संभव है, मेन स्ट्रीम मीडिया से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना ये सब चीजें कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर सकता इस पर, मेन स्ट्रीम मीडिया ना तो अखबार वाला कर सकता है कोई नए चैनल वाला कर सकता इस आज के हालात में तो पॉसिबल नहीं है। लेटेस्ट जो है वो ये आया है कि ये कोई म्यांमार में जब जाते हैं तो गार्डन गेस्ट हाउस कोई है वहां रुकते हैं जाके, ये तो खबर आ गई है। अब गार्डन गेस्ट हाउस ये खबर आ गई है तो फिर देखिए अब संजय जी अब फिर मैं अपनी बात पे आ जा रहा हूँ, फिर जब सब जब सरकार को पता ही है कि ये कहाँ जाते हैं तो आज तक ये खबर भी क्यों नहीं आई कि ये म्यांमार में जाते हैं और रूटीन में जाते हैं, बताइए। जब ये अमेरिका में लेक्चर देने के लिए जाते हैं 8 तारीख को जाने वाले हैं सितंबर में, उसकी तो खबर छपनी शुरू हो गई अभी से, तो फिर आज तक ये बताइए कि राहुल गांधी जब बाहर गए लंदन में गए कहीं भी गए किसी भी जगह गए नेपाल गए कहीं भी गए तो क्यों नहीं छपी खबरें कि राहुल गांधी कहाँ गए हुए हैं और किससे मिलने गए हुए हैं। जब तक उनकी नानी जिंदा थी जब तो लोग कह देते थे कि साहब इटली गए हुए हैं, अब क्यों नहीं बताते आप बताइए ना, कि जब तो नानी की आड़ में कह देते थे लोग बाग। देखिए इसमें आपको ये मानना पड़ेगा, फिर मैं आपके चैनल पे ही ये बात बार बार रिपीट करता हूं कि राहुल गांधी को जो विशिष्ट व्यक्ति का दर्जा है वो हमारी सरकार ने दिया हुआ है, ये आप मानो। अभी देखो खबर आई थी कि उनको नोटिस आने वाला है, सुब्रमण्यम स्वामी तो हाईकोर्ट दोबारा चले गए, नोटिस की खबर आई थी ना अखबारों में छप भी गई थी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने छाप भी दी थी कि नोटिस आने वाला है, आया नहीं। तो साहब एक बात बताइए ना, जब सरकार ही छिपा रही है इन सब चीजों को, जब सरकार ही पर्सनल नहीं होना चाहती तो हम और आप क्या कर लेंगे इसमें, हकीकत बात तो यह मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं, पप्पू तो रोज ही पर्सनल हो रहा है, आज भी पहुंच गया रायबरेली के कि साहब की किसी दलित की हत्या हो गई है, मैं तो बिल्कुल दलित के साथ खड़ा हुआ हूं, और उधर बरेली में एक दलित की हत्या हो गई मुसलमानों ने की, एक शब्द नहीं बोला। इसी तरह से वो उदयपुर में दलित की हत्या हो गई मुसलमानों ने की, एक शब्द नहीं बोला। एक दलित तो राहुल गांधी ने बांग्लादेश पे क्या बोला है, एक ट्वीट नहीं आया, प्रियंका गांधी ने तो किया था, राहुल गांधी ने तो बांग्लादेश पे भी कुछ नहीं बोला, बांग्लादेश में भी नहीं बोला। एक मुरादाबाद में एक दलित नर्स का बलात्कार हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, डॉक्टर और मुसलमान लड़की नर्स थी, उन्होंने मिलके सब कार्य को अंजाम दिया, एक शब्द नहीं है कहीं भी। यदि मारने वाला प्रताड़ित करने वाला विशेष समुदाय का है तो राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते, कितनी भी जघन्य वारदात हो जाए। यही बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में भी तो उनके जो प्रिय समुदाय है वही तो सारा कार्य कर रहा है, वहां हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है। एक बात बताइए,
नहीं एक बात बताइए, जब ऊबर की राइड पे निकलते हैं राहुल गांधी तो उसमें तो उपाध्याय मिल जाता है ना ड्राइवर, उसमें तो मुसलमान नहीं मिला, कोई दलित नहीं मिला। इसमें तो उन्हें आंदोलन कर देना चाहिए कि बताइए ऊबर के जो जॉब्स हैं वो भी जो है वो लेटरल एंट्री हो रही है वहां भी, वहां भी लेटरल एंट्री है। लेकिन लेकिन साहब मैं तो आज आपसे पहले यही सवाल पूछने वाला था, आपने मुझे शुरू में ही घेर लिया राहुल गांधी पे। ये लेटरल एंट्री पे, ये लेटरल एंट्री पे जो है आपके ये सरकार क्यों बैकफुट पे चली गई, क्यों वापस ले लिया इसे? ये सरकार जो है ये ऊपर से चाहे जितना वो करे दम भरे, इसमें बेसिकली अंदर से डरी हुई है ये सरकार, ऐसा मुझे लग रहा है। अब कई मामलों में ये बैकफुट पे गई है और बड़ी तेजी से बैकफुट पे गई है। आप देखिए इस वाले मामले में, लेटरल एंट्री वाले मामले में पहली बार ये मैसेज आया है कि जो एनडीए के एलाइज हैं उनके दबाव में हुआ है, ये पहला मैसेज है। चिराग पासवान ने साफ कल मीडिया के सामने बुला के कह दिया, तो पहली बार ये दबाव है कि साहब ये एनडीए के जो एलाइज हैं उनके दबाव में हुआ है। और दूसरा इस प्रकरण में मैं आप अखबारों की कवरेज उठा के देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने आधे पेज की स्टोरी छापी है बहुत शानदार, और उसने बताया है कि सन 55 से लेके 52 से लेके अब तक किन किन की लेटरल एंट्री राजीव गांधी, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी सबने कराई थी, मोन्टेक सिंह, आलूवालिया, पटेल सबके, विमल जालान सबकी दी, सबका हिस्ट्री छापी है। मीडिया सपोर्ट कर रहा था इस मामले पे सरकार को, लेकिन ये अचानक ही जो है मोदी जी को पता नहीं, वो ही चमत्कार करने की आदत है कि साहब सारा मीडिया साथ खड़ा हुआ था, आपने कृषि कानून वापस ले लिए, पूरा नैरेटिव बन चुका था कि ये टूल किट का पार्ट है, लेकिन आपने एकदम से कृषि कानून वापस ले लिए अपने लेटरल एंट्री का ऑर्डर। अब मुझे लगता है कि मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि ये दलितों के हितैषी हैं और जो सामाजिक संतुलन है वो ना बिगड़ जाए, कहीं उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो ये लगा इसमें। तो जब डीओपीटी ने सब वैकेंसी जो निकाली थी तो क्या पहले बात नहीं करी गई थी इन बारे में कि ये मुद्दा उठेगा? राहुल गांधी तो पहले से उठा रहे हैं इस मुद्दे को कि बताइए हलवा सेरेमनी में कितने दलित हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, तो इन्हें पहले तैयारी करनी चाहिए थी। इतना बड़ा डिसीजन था ये, तो कोई छोटे मोटे, आपको तो पता है कि लेटरल एंट्री वाले सारे अधिकारी कहां सेक्रेटरी लेवल के और कहां कहां की पोस्टिंग होती है, आप तो मेरे से ज्यादा ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की होती है, तो कोई छोटी मोटी तो है नहीं कि ये वैसी पोस्टिंग है, क्लरिकल जॉब है ये, ऐसी तो है नहीं। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि क्या पहले तैयारी नहीं की गई थी? अब देखिए, अब तो बार बार यही साबित हो रहा है कि आप तैयारी के साथ नहीं आते हैं, कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और फिर उसे रोल बैक करते हैं, तो दबाव आप पे है। और इसका तो राहुल गांधी क्रेडिट लेंगे, आप ये मानो या ना मानो कि सबसे पहले तो राहुल गांधी ने ही सोशल मीडिया पे ये बात उठाई थी, उसके बाद जिस दिन वैकेंसी आई थी उसी दिन राहुल गांधी का कितना लंबा चौड़ा ट्वीट आया, फिर अमित मालवीय ये सब निकाल के लाने लगे मटेरियल। और मैं देख रहा था दो दिन से दिल्ली का मीडिया, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब लोग छाप रहे थे कि भाई लेटरल एंट्री में कुछ भी गलत नहीं है, पहले से ही ऐसा होता रहा है, तो क्या सरकार को जरूरत थी इस पे वापस जाने की? अभी कौन सा आपका चुनाव आ रहा है, क्या हरियाणा का 90 सीट का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आपको इतना बड़ा डिसीजन वापस लेना पड़ेगा? आपको जाता है हरियाणा, हारते हैं, हार जाए, क्या दिक्कत है? जम्मू कश्मीर में आपका वैसे कुछ नहीं होने वाला, तो सर थोड़ा सा रिस्क होगा कैसे? हर जम्मू कश्मीर में खेला करेंगे ना, कुछ खेला नहीं होगा। आप देखिए अमित शाह जी लगे हुए हैं, मैं आपको कहता हूं 20 ज्यादा सीटें नहीं आने वाली है, नोट कर लो, कोई खेल नहीं होने वाला, वही 20-25 सीटें इधर जम्मू से साइड की आएंगी, कुछ नहीं आने वाला। तो मैं तो आपको कह रहा हूं 20 से ज्यादा नहीं आएंगे इनकी। हां तो सर क्या जरूरत है फिर इस तरह का कदम आप क्यों उठाते हैं? आप कम से कम अपनी इच्छा शक्ति का भी तो कभी वो दीजिए ना कि साहब हम नहीं, जो हमने कह दिया वही फाइनल है, उसी उसी इसी के लिए तो लोग आपको वोट दे रहे हैं, उसी के लिए तो लोग आपको चुन के लाए हैं तीसरी बार भी, आप क्यों इस तरह से रोल बैक कर रहे हैं? इवन मैं कह रहा हूं कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस मुद्दे पे मीडिया इनके साथ था, आप स्टोरी पढ़िए, किसी ने भी निगेटिव नहीं छापा, सबने छापा के साथ पहले भी ऐसे हुआ है, ये होता रहा है, सबके नाम समेत छपे हैं, सैम पित्रोदा सबकी हिस्ट्री छापी है अखबार वालों ने। तो बस ये है कि आप अपने पक्ष में तर्क जो है वो मीडिया तक और जनता तक पहुंचा नहीं पाते हैं, आपका जो नरेशन है या कहना चाहिए कि जो आपकी
पब्लिसिटी की टीम है या आपकी जो टीम के लोग हैं वो उन चीजों को फैला नहीं पाते हैं लोगों के बीच में, फेलियर है आपका। ऐसे कृषि कानूनों पे हुआ था, ऐसे ही इसमें हुआ है। मुझे तो लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्फ वाला भी अटक जाए जेपीसी में, देखे इन्होंने थोड़ी सी स्मार्टनेस तो जरूर दिखाई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जेपीसी वाले को जेपीसी में ये भी अटक जाए वक्फ वाला, अगले सत्र में हो ही ना पाए। इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भाजपा के अंदर बढ़ती चली जा रही है। और योगी आदित्यनाथ तो ठीक ही कर रहे हैं अपने हिसाब से, उन्हें तो लगभग 6-7 डिसीजन ले लिए जब से ये मामला हुआ जून के बाद से, तो धड़ाधड़ डिसीजन लिए जा रहे हैं। और धड़ाधड़ डिसीजन मान लीजिए कोई अगर कोई चेंज भी करना होता है तो तुरंत ही करते हैं, वो वेट नहीं करते लास्ट मोमेंट। और मुझे लगता है कि इस बार योगी जी ने ये भी सोच लिया है कि दिल्ली बात नहीं करनी किसी डिसीजन को लेने के लिए, पहले डिसीजन ले लेना है फिर दिल्ली बात करेंगे देखेंगे। हाँ, या फिर दिल्ली को अगर कोई समस्या हो तो बता दे हमको, आप खुद कॉल कर लें कि भाई ऐसा क्यों करा, हम बता देंगे आपको। तो इसीलिए लगातार देख रहे हैं आप, देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो है वो पीछे हट गए योगी के मामले में। नहीं, उसको दूसरा कारण भी बताया जा रहा है कि उसको जो फूलपुर और मजवा जो दो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको ये पता है कि अगर योगी यहाँ नहीं आए तो अगर योगी जी ने कह दिया मैं तो नहीं जाता वहां रैली करने तो फंस जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आया संजय जी कि बाईपोल क्यों नहीं हो रहे हैं इनके साथ, 10 यूपी वाले के साथ क्यों डिले कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाईपोलिया किसी भी दिन अनाउंस कर सकते हैं, इन्हीं के साथ भी अनाउंस कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि रेगुलर पोल्स अलग अनाउंस हुए हैं और बाईपोल उसी डेट को 15 दिन बाद अनाउंस हुए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो गुंजाइश, अगर एक तारीख को कराना होगा तो इस महीने के आखिर तक भी अनाउंस हो सकते हैं, तो इसलिए अभी उसको डिस्काउंट ना किया जाए, मेरा ये कहना है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे लग रहा है कि इसमें भनक है लोगों को इस बात की कि ऐसा हो सकता है, मायावती ने तो 4 कैंडिडेट भी अपने डिक्लेयर कर दिए। अच्छा, ये आपने अच्छी बात बोली, इस पर डिस्कस कर लेते हैं पूरा। जो उत्तर प्रदेश के जो बाईपोल्स में जो मायावती ने जो उतरने का फैसला किया है, जबकि वो उपचुनाव नहीं लड़ती है कि हम उपचुनाव में अपनी शक्ति जो है व्यर्थ नहीं करते, लड़ने लगी कुछ में सिलेक्टिव चुनाव लड़ने लगी उपचुनाव, तो आजमगढ़ वाला भी लड़ी थी लड़ने आजमगढ़ संजय जी एक बात बताइए ना, जीरो है कैंडिडेट, कहीं कुछ भी है नहीं, क्या पता बाईपोल में एक सीट फंस जाए कोई सी। अब देखिए यहाँ ये जो मीरापुर वाली सीट है आरएलडी वाली, वहां पे किसे कैंडिडेट बनाया, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो जिला पंचायत मेंबर है वहां का, वो चंद्रशेखर रावण के लिए कैंपेन कर रहा था पहले, जब ये खतौली बाईपोल वगैरह हुए थे वहां पे पिछले साल, तो वो चंद्रशेखर रावण का राइट हैंड था, उसे तोड़ लिया मायावती ने। तो मुझे लग रहा है कि मायावती भी तो अपनी कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी बना ही रही है ना, और फिर मायावती को जो ये राहुल गांधी नैरेटिव बना रहे हैं कि साहब दलित और दलित 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 वाला, तो मायावती को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, खामोश होकर तो बैठ नहीं सकती। जब तक आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, वेरोनिका ने सर्टिफाई कर दिया है ना, वेरोनिका ने, उसका नाम हुआनिता भी है, हुआनिता विंची, उसने ये सर्टिफाई दे दिया है, कर दिया है, एक सर्टिफिकेट लिख के दे दिया है कि राहुल गांधी इटली का दलित है। तो ये विंची वहां के दलित होते हैं, ऐसा उसने लिख के दिया है, बताया उसको। राहुल विंची लोग इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी इसमें दलित दलित करता घूम रहा है, जैसे कि वो स्वयं दलित हो मायावती। लेकिन नहीं 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 नहीं, हम नहीं, हम नहीं साहब, हम नहीं मानते। आप ही बताइए कि वो जो है विंची तो जो है वो नाना जी का वो हो गया, नाना जी की तरफ से हो गया भाई, गोत्र तो जो है वो तो अपना नाना जी, तो नाना जी तो माइनो है, विंची थोड़ी है। नाना जी तो जेल में थे वैसे भी, नाना जी तो 2 साल जेल में थे उस समय। अब ये तो हमारे वो सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई स्पष्टीकरण तो आना चाहिए भाई। कांग्रेस पार्टी वाले यही दे दे, पवन खेड़ा ही दे दे, अगर जयराम रमेश नहीं देना चाहता है तो केसी वेणुगोपाल ही दे दे, कोई तो दे दे। नहीं, इतना ही कह दे कि हम उस पे केस करेंगे,
उसे उस पर डिफेमेशन का ही दे दें कि केस करेंगे हम, खुद भी कहेंगे हम उसके ऊपर डिफेमेशन करेंगे, इटली जाके करेंगे, या फिर शहाबुद्दीन ये क्या है शोएब चौधरी के खिलाफ जो है बांग्लादेश में करेंगे, वो तो किया नहीं। शोएब चौधरी मोहम्मद यूनुस से बात कर लें, मोहम्मद यूनुस से बात कर लें कि भाई उसे तो बहुत अच्छे रिलेशन है, वैसे भी जाके वो बीएनपी वालों से आपके तारिक रहमान से मिला था जाके लंदन में, वो भी उसका भी खंडन नहीं किया आज तक। यहाँ हम तारिक रहमान से कहानी वहीं से शुरू हुई थी, सलाहुद्दीन ने सबसे पहले यही खबर छापी थी आपको याद होगा, खालिदा जिया वाली भी उसने छापी थी तारिक रहमान और खालिदा जिया आपके बीएनपी वाली ये सारी उसी ने छापी है। एक भी खबर का खंडन नहीं हुआ है तो हम क्या माने, मौनम स्वीकृति लक्षणम। और मैं जो ये कह रहा हूँ कि इटली का दलित है, इसका भी खंडन नहीं हुआ है, ये तो मैं कल लिख चुका हूँ ट्विटर पे। अरे नहीं साहब, आप इटली का दलित मत आप इन्हें बताइए, वरना ये और ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, और भारत के दलित भी कहीं इन्हें जो है दलितों का मसीहा ना कहीं ऐसा ना हो कि लोग बहुत सीरियसली ले लें चीज को। भाई देखिए ऐसा है कि वो वानिता ने तो केवल मेरे कान में कहा है, तो लोग जो है वो वानिता को बुलाए कहें कि भैया भाभी को लाओ और उससे कह लो तो मानेंगे। ऐसा कैसे मानेंगे? नहीं वैसे इसमें इसमें दिक्कत क्या है पता नहीं, इस तरह से राहुल गांधी को अपनी इन रिलेशनशिप को हाइड नहीं करना चाहिए, पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर कुछ ऐसा है तो मामला। क्या इससे कौन सी इमेज खराब हो रही, कोई फिल्म स्टार तो है नहीं कि कुंवारा रहेगा सलमान खान की तरह तो चलता रहेगा, शादीशुदा हो जाएगा तो मार्केट में भाव घट जाएगा। मेरा तो मानना है कि अगर राहुल गांधी इस तरह से स्वीकार कर लेंगे और घर परिवार अपना संभाल लेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छी बात होगी, ये तो जनता कहेगी कि लीजिए साहब, लोग सवाल उठाते थे, राहुल गांधी ने खुलेआम स्वीकार कर लिया, कर लेना चाहिए। इसमें वैसे सुब्रमण्यम स्वामी नहीं लगे इस वाले मामले में, सुब्रमण्यम स्वामी नेशनल हेराल्ड से आगे नहीं बढ़ रहा वो बिल्कुल मछली की आंख की तरह, वो अर्जुन जो है वो मछली की आंख पे लगा हुआ है। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि अचानक क्यों एक्टिवेट हुआ है इस समय। नहीं आपने तो एक वीडियो बनाया है सुब्रमण्यम स्वामी पे, मैं देख रहा था कुछ के क्या था यू टर्न पता नहीं कुछ इस तरह से करके आपने एक वीडियो बनाया सुब्रमण्यम स्वामी पे भी। आपका क्या इसमें असेसमेंट है, सुब्रमण्यम स्वामी को क्या हुआ है? कहीं मोदी जी ने कह दिया कि राज्यसभा भेज देंगे तुम कभी मोदी जी ने कह दिया होगा कि भैया तुम शांत बैठ जाओ, तुम्हें वित्त मंत्री तो बनाऊंगा नहीं, राज्यसभा जाना है तो बताओ, लेकिन ये राहुल गांधी की फाइल वाइल निकालो दोबारा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हो सकता है हो गया कि यू टर्न लेने में सुब्रमण्यम स्वामी का कोई जवाब नहीं है। आपको देखिए सबसे पहले जो है वो अटल जी की सरकार गिराई, उसके बाद दुनिया से दुश्मनी कर ली। सोनिया का भी तो फोटो वोटो छाप रहा है ना हमारा शोएब भाई। शोएब भाई तो कोई फुटबॉलर है वहां का पूरा, उसके साथ फोटो वोटो छापी, उसके साथ भी फोटो वोटो छाप दी। तो भाई हमारे देश की बहू है और राहुल गांधी की बीवी भी जो है देश की बहू। अब आपने तो कह दिया देश की बहू है, अब आप हमें मीडिया वालों को दिल्ली के मीडिया को आप सवाल उठाते हो कि हम लोग कुछ लिख नहीं रहे, मतलब हम देश की बहू के बारे में लिखना शुरू कर दें? देश की फर्जी बहू है ना क्यों फर्जी की है साहब, असली बहू होती तो कुछ नहीं कहते, और देश की फर्जी बहू के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा देखिए आपका हमारा जो हर बात को जो है ये जो लड़के में लेने का अंदाज है, कुछ हमारे दर्शकों को बड़ा पसंद आता है, ये कमेंट लिखते हैं कि आप तब जब दोनों लोग बैठते हो तो आप किसी को नहीं छोड़ते हो मजाक मजाक में सब कह देते हो भाई स्थितियां गंभीर है। देखो आप राहुल गांधी जो है आज जो रायबरेली में जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे उससे लग रहा था कि भाई बहुत परेशान है, बहुत दिनों से क्या बोलते हैं वेरोनिका से मिले नहीं है अब जा रहे हैं देखिए अमेरिका अमेरिका तो। अच्छा एक बात और संजय जी समझ में नहीं आई कि राहुल गांधी का विदेश जाने का जब कार्यक्रम कहीं बनता है उस समय चुनाव जरूर हो रहे हैं इंडिया में कोई से ना कोई से,
चुनाव के समय एकदम भाग जाते हैं और फिर एकदम चुनाव से 8-7 दिन पहले आएंगे रैली करने के लिए। जी राहुल गांधी उनके चमचे और उनके चमचों के चमचे और इधर उधर के जो उनके जो है वो कृपा के आकांक्षी ये सारे के सारे जो लगे हुए हैं वो यही इसी में लगे हुए हैं, भारत में भी बांग्लादेश हो सकता है, भारत में भी बांग्लादेश हो सकता है। अब ये भारत में बांग्लादेश का माहौल बना के वो करते हैं कि अगर भाई भारत में बांग्लादेश होगा तो भारत का मोहम्मद यूनुस कौन होगा, भारत का मोहम्मद यूनुस तो राहुल गांधी ही हो सकता है। बताइए आप, ये नहीं समझते जी, आपने एक चीज नहीं देखी बांग्लादेश की। मैं जो कह रहा हूँ पूरी बात तो ये नहीं सोच रहे कि ये मोहम्मद यूनुस तो बाहर से इम्पोर्ट किया गया था, वो जो बैठी हुई थी घर में खालिदा जिया उसको थोड़ी बनाया कोई। हाँ, और ये तो अमेरिका में रहा ज्यादातर टाइम मोहम्मद यूनुस तो। अच्छा, ये भी भूल जाते हैं कि भाई यहाँ जो है मामला जरा थोड़ा अलग किस्म का है यहाँ। अच्छा, संजय जी मैं थोड़ा सा विषयांतर करूं एक इसी से जुड़े उससे। मुझे अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो बांग्लादेश वाला जो इशू है इस पे क्या फर्क पड़ेगा इंडिया का जो चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसका एक जो बेसिक चीज है वो एंटी वॉर है और वो स्टेट डिपार्टमेंट का की गर्दन पकड़ के उनके खर्चे जो है वो कम करना चाहता है। और स्टेट डिपार्टमेंट के खर्चे किस में होते हैं? स्टेट डिपार्टमेंट के सबसे अधिक खर्चे जो हैं वो इन फॉरेन ऑपरेशंस में होते हैं और वो किसके माध्यम से करते हैं? दुनिया भर के एनजीओस को स्टेट डिपार्टमेंट फंड करता है और वो दुनिया भर के एनजीओस जो हैं वो दुनिया में अलग अलग स्थानों पर बैठ के इसी तरह की हरकतें करते हैं जैसे वो बांग्लादेश में कर रहे थे अभी या कर रहे हैं और जैसी वो इंडिया में बहुत सारे हैं जो करते रहते हैं। इंडिया ने तो FCRA को टाइटन अप करके इनका बहुत सारा फंडिंग का जो जरिया था वो बंद कर दिया लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं। नहीं जैसे शेख हसीना पे दबाव बना रहे थे ना कि हमें अपना वहां पे वो बनाना है अपना तो हमें वो दे दो, क्या था वो कौन सा द्वीप है वो दे दो, वो जो मामला था तो उस वाली लाइन पे रिपब्लिकन्स का और डेमोक्रेट्स में तो फर्क होगा लाइन पे क्या है दोनों का या वो सेम ही रहती है दोनों की? अजी वो तो मिलिट्री स्पेंडिंग कट करने में लगा हुआ है, वो कह रहा है कि आपको पूरी दुनिया का पुलिसमैन बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये ट्रंप का बेसिक एक स्टैंस है। वो कहता है कि आप दुनिया भर में जो है वो पंगे करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट भाई कि जो अमेरिका की जो खराब स्थिति है यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन है, यहाँ पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर हाई क्राइम है, यहाँ बॉर्डर जो है वो अनसेफ है, इलीगल इमिग्रेशन भी है इनके सामने, वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, कई ऐसे जो है ऑपरेशन जो हुए हैं जिसमें बहुत लॉस हुआ और जनता के बीच में लोकप्रिय भी रहे, आपको पता ही होगा कि बुश वगैरह इन सब के खिलाफ रहा हूं। उनकी जो ट्रंप की जो प्रायोरिटीज है वो अमेरिका सेंट्रिक है कि भाई देखिए आप वही नेशन फर्स्ट वाली बात अपनी नेशन फर्स्ट वाली बात है। नेटो को तो टाइट उसी ने किया ना, उन्होंने कहा कि नेटो का हम क्यों फंड करें, यूरोप पैसा देगा उसका तब हम फंड करेंगे, तो यूरोपियंस को पैसा देना पड़ा फिर अल्टीमेटली। तो ट्रंप के आने से चीजें चेंज होगी लेकिन ट्रंप का आना है बड़ा मुश्किल क्योंकि ये डेमोक्रेट्स ने खूब सारा फ्रॉड पंथी कर रखा है वहां पे, इतना फ्रॉड है वहां के इलेक्शन में, वहां का इलेक्शन कोई फ्री फेयर इलेक्शन थोड़ी है, वहां का इलेक्शन तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। बराक ओबामा ने आज ट्वीट कर रखा है बड़े समर्थन में, जो बाइडेन मेरा बहुत अच्छे मित्र हैं और जब वो डिसेंसी जो है उनका वो मेन हथियार है, बहुत जो बाइडेन का वो कर रखा है ब्राक ओबामा ने, ओबामा एंड पार्टी ये तो ट्रंप को बिल्कुल ही रोकना चाहते हैं कि कतई भी नहीं आना चाहिए। देखिए मायावती का ट्वीट आ गया है, केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव व निदेशक आदि के उच्च पदों पर आरक्षण सहित सामान्य प्रक्रिया से प्रमोशन वे बहाली के बजाय भारी वेतन पर बाहर के 47 लोगों की लेटरल नियुक्ति BSP के तीव्र विरोध के बाद आज रद्द। किंतु ऐसी सभी आरक्षण विरोधी प्रक्रियाओं को हर स्तर पर रोक लगाने की जरूरत। वो कह रही है कि मेरी वजह से हुआ है, लो राहुल गांधी
क्रेडिट लेने के चक्कर में राहुल गांधी कैन टेक अ वॉक। राहुल गांधी को तो मायावती के कमजोर होने का फायदा हो गया, वरना तो बैंड बज जाती इनकी। और दूसरा तो इन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ को जो कमजोर करने का प्रयास किया, उसका फायदा इन लोगों को हो गया। लेकिन अब तो योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान है। मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा कि वो 10 की 10 निकाल रहा है, क्योंकि योगी जी जो है वो साम दाम दंड भेद चारों का उपयोग करते हैं। हाँ सही है, आप रामपुर याद कीजिए। हाँ रामपुर वाला तो उपचुनाव, वो तो 40% से ऊपर पोलिंग नहीं जाने दिया था योगी जी ने तो, वहां पे जब आकाश सक्सेना जीता था उसकी तो बात कर रहे हो ना आकाश सक्सेना वाले की 40% से ऊपर नहीं जाने दिया था पोलिंग कहीं भी। तो ऐसा ही होगा। और मुझे लग रहा है कि 5 में से जो इनके खाते की हैं इंडिया अलायंस वालों की, 5 में से 2 या 3 पे तो पूरी कोशिश करनी चाहिए वो उधर की कुंदर की वगैरह को। मेरी भविष्यवाणी यह है कि मिल्कीपुर और कटहरी ये दोनों भाजपा जीतेगी, और फूलपुर मजवा इसकी पहले से है पर जो तो वो तो निकाल ही लेंगे, और सीसामऊ भी भाजपा जीत सकती है। सही कह रहे हैं। करहल तो नहीं जीतेंगे, करहल नहीं जीतेंगे, करल भी नहीं जीतेंगे और वो संभल वाली भी नहीं जीतेंगे उसकी, वो कुंदरकी भी मुश्किल है। मेरे को कुंदरकी में देखिए हो भी सकता है, योगी जी का मूड कर जाए तो कुंदरकी भी जीत सकते, कुछ नहीं कह सकते। देखते हैं। तो ये है कुंदरकी लड़ा देंगे आरएलडी वालों को, चलो कुंदरकी लड़ो जीत लो। हाँ जैसे वहां पे स्वार वाली सीट जीती थी वो अब्दुल्ला वाली, उसने अपना दल वालों को नहीं दे दिया था टिकट, मुस्लिम को टिकट दिलवा दिया था अपना दल वालों से। करेक्ट, ऐसे भी पॉसिबल है, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कुंदरकी वाले के लिए। मुझे लगता है आपने सही आइडिया दिया है, आरएलडी को दे दें और कहें कि उतारो कोई मुस्लिम कैंडिडेट लाओ, बढ़िया करते हैं सपोर्ट। तो ये तो हो सकता है। आइए जरा बात कर लें थोड़ी ममता दीदी की। जी ममता दीदी को क्या हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ना चाहती हैं क्या? नहीं देखिए तो और किससे लड़ेंगी, हाई कोर्ट में उनकी चलती नहीं है बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से ही थोड़ी सी तो आशाएं रहती हैं इस देश में विरोधी दलों को, विपक्ष को, इन सबको। नहीं सुप्रीम कोर्ट कोलकाता की हाई कोर्ट तो सुनती ही नहीं है उनकी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए आज की हियरिंग में, ये कहा कि जो शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे आप जो है वो आप सख्ती नहीं करेंगे। उसके 1.5 घंटे बाद वहां लाठी चार्ज कर दिया उन्होंने। और उसमें आपने वो, मैंने तो वो देखी है जो उसमें जिरह चल रही थी इनकी, कपिल सिब्बल जब बोल रहे थे तो उसने ये कहा कि बताइए अगर आपके पास फोर्स की कमी हो, चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आपके पास फोर्स की कमी हो तो सेंट्रल फोर्सेज भिजवाएं हम। तो उसने कहा नहीं सर, माई लॉर्डशिप हाउ कैन वी हैंडल 2 फोर्सेज एट सेम प्लेस। उसने कहा कि नहीं ये नहीं, वो तो खेल गया बिल्कुल, वरना उन्होंने कहा वो तो मुझे लग रहा है कि चंद्रचूड़ का तो ये था कि भाई CISF वगैरह लगा दी ना, वो तो लगा दी उन्होंने लास्ट में उठते CISF और CRPF उन्होंने आरजी कार मेडिकल कॉलेज के बाहर वो लगा दी, कहा कि यहां CISF और CRPF करेगी। अच्छा वो तो उस बात में मैंने वो अपडेट देखा नहीं है इसका। नहीं वो तो ठीक किया, सही किया उन्होंने, बढ़िया किया। देखिए मैंने आज सवेरे एक वीडियो किया था जिसमें मैंने मुंबई जजमेंट को, जिसको लेके हमारे तो मैंने देखा आपका भारतीय जनता पार्टी वाले शासन के लिए जिसमें आपने कहा है सही, बिल्कुल आपका बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है इस पे। जी ये बहाने बनाते रहते हैं कि साहब की वो मुंबई वाला जजमेंट पहले नहीं था तो इसलिए इंदिरा गांधी ने कर लिया, अब वो मुंबई वाला जजमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है काम नहीं करने का। सही बात है। नहीं आप ये बताइए ना, मुंबई जजमेंट, उसी मुंबई जजमेंट में 5 केसेस जो है उन्होंने डील किए, 5 ये राजस्थान और ये से भी थे, एक उसमें कर्नाटका का, एक मेघालय का, और 3 1992 वाले यानी राजस्थान मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश, जिसमें मेघालय का उन्होंने डील नहीं किया, उनका ये तो इंफेक्शियस हो गया, खत्म हो गया मामला, इसका कोई करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने
कर्नाटका का जो 356 का नोटिफिकेशन था उसको उन्होंने इनवैलिड करार किया ये कह के कि इसमें मैलाफाइड एक्सरसाइज हुई है पावर मैलाफाइड ना। साथ में उन्होंने राजस्थान हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के तीनों के 356 की एक्सरसाइज को उचित भी ठहराया है। ये कोई नहीं बताता कि साहब उसमें 5 केसेस डील हुए थे लॉ एंड ऑर्डर वाला जो मामला था और उन्होंने ये कहा कि भाई क्या ये जो उचित ठहराया उसमें कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स थे उसमें से सेक्युलरिज्म भी एक है और उसका वहां पे जो वायलेशन का जो है वायलेशन हम ये भी उसमें डिफाइन किया कि भाई हम मेरिट पे नहीं एग्जामिन करेंगे हम केवल 3 चीज देखेंगे हमारा जो रिव्यू का स्कोप है वो लिमिटेड है 3 चीजों तक लिमिटेड है। क्या है 3 चीजें कि क्या गवर्नर के पास कोई मटेरियल था नंबर 2 क्या वो जो मटेरियल गवर्नर के पास था वो रेलेवेंट था उसकी मेरिट में नहीं जा रहे सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या मटेरियल था क्या वो रेलेवेंट था और नंबर 3 कोई मैलाफाइड तो नहीं थी हमको सिर्फ इन 3 चीजों पे एग्जामिन करना है और जब बेसिक फीचर वाला जो ले आए वो तो भाई बेसिक फीचर जो दिए हुए हैं केशवानंद भारती केस के बाद में और मिनरवा मिल्स और बहुत सारा जो उसके ऊपर जो पूरा ज्यूरिसप्रूडेंस डेवलप हुआ है उसमें रूल ऑफ लॉ भी है उसमें फ्री और फेयर इलेक्शंस भी है इसके सबके लिए कोई मटेरियल की कमी है क्या गवर्नर के पास। और सबसे बड़ा मटेरियल तो 14 अगस्त की रात वाली आज तो कोर्ट में कहा उसने कपिल सिब्बल ने खुद कहा कि साहब वहां पे जो है वो 150 के करीब पुलिस मैन थे और 7,000 लोग हॉस्पिटल पे धावा बोल दिया बिल्कुल झूठ है जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उसको मुश्किल से 50-60 लोग एक ट्रक में भर के आए थे पूरा सीसीटीवी सब साथ में नहीं मैं तो कह रहा हूं सबसे बड़ी बात साहब आप देखो तोड़ फोड़ करते हुए तो 70-75 लोग दिखे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ये कह रहे हैं कि 7,000 लोग हुए तो भाई ये आपका भी तो फेलियर है आपकी पुलिस का इंटेलिजेंस का कि 7,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं आपको पता ही नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा अगर आप खुद ही कह रहे हैं तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने यही तो कहा था यही कहा था कलकत्ता हाई कोर्ट ने। और दूसरी बात ये है जो सबसे बड़ा जो इसका जो है कि साहब कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा कोर्ट रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है दोनों में लीगली डिफरेंस है। रूल ऑफ लॉ तो तब खत्म हो गया जब सरकार जो है वो स्वयं सरकार के खिलाफ आ गई कि साहब ममता बनर्जी जो है वो चीफ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जिसका ममता बनर्जी है उसके खिलाफ सड़कों पे उतर गई बताइए। और एक बजे एक इंसिडेंट जो है संजय जी उस पे लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कल वाला वो जो कल्याण बनर्जी को ले लिया हाथों हाथ वहां वकीलों ने जब ये वकील उतर जाते हैं किसी मामले में जब ये वकील उतर जाते हैं फिर ये बवाल मचा देते हैं। अब अगर समझ लीजिए कि आज वकीलों पे जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रही है इनकी हिम्मत नहीं है कि उनको टच कर सके जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रही है कलकत्ता में आज हाँ वहां करवाएं आप लाठीचार्ज पता लग जाएगा एक मिनट में फिर तो सीधा डीवाई चंद्रचूड़ ही ने आदेश दे दे कहीं राष्ट्रपति शासन के वकीलों को पिटवा फिर वो डांट लगाएगा सेंटर को तुम्हारी क्या ड्यूटी है तुम्हारे पास जो पावर है उसका तुमने क्या एक्सरसाइज किया उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते तो 355 में तुम्हारी ड्यूटी है इंश्योर करने की रूल ऑफ लॉ तुम्हारी ड्यूटी है नहीं तो आदेश अच्छा देने संजय जी एक बात समझ में नहीं आई कि 356 का इस्तेमाल करने में अब इस बंगाल के मामले में क्या अड़चन है ना तो बंगाल में कोई चुनाव आ रहे लोकसभा के चुनाव आपके हो चुके आपको चिंता किस बात की है इससे क्या परसेप्शन बनेगा आपके खिलाफ। देखिए क्या है कि ये मांडवाली वालों की सरकार है ये सबसे पहले देखते हैं कि साहब मांडवाली कहाँ हो सकती है और यदि मांडवाली संभव होती है तो वो एक्शन नहीं लेते। अब मांडवाली जो है उससे क्या मांडवाली कर लेंगे बताओ ममता से तो वहां तो कुछ नहीं हो सकता और मुझे लग रहा है वहां पे शुभेंदु अधिकारी वगैरह जो है उन्हें भी प्रेशर बनाना चाहिए इससे मांडवाली के बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं आपको बताइए नहीं लेकिन जहां इन्होंने मांडवाली नहीं करनी चाहिए थी ये मांडवाली शब्द जो है ये बंबई में खूब चलता है जहां नहीं करनी चाहिए थी जहां 2-2.5 साल इंतजार करना चाहिए वहां तो मांडवाली करने लगे ये जहां बिल्कुल दिख रहा था कि इस बार काम बहुत बढ़िया होगा वहां तो इन्होंने ऐसा रायता फैला लिया कि इनका चीफ मिनिस्टर अगले 10 साल भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा।
महाराष्ट्र में अच्छा ऐसी मान वाली की, ऐसी मान वाली की, हर एक का जो है वो माथा खराब हो गया कि हो क्या रहा है। हाँ मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि देवेंद्र देवेंद्र फडणवीस सब क्या सोच रहा होगा कि मुझे क्या करना है, कि अगर मैं चुनाव जीतवाता हूँ तब भी शिंदे को बनवाना पड़ेगा। नहीं तो मैंने सुना है कि देवेंद्र फडणवीस को ऑफर दिया है कि अध्यक्ष बन जाओ आके, मुझे लगता है उसको बन जाना चाहिए, कम से कम आगे की मांडवाली तो बचा लेगा वो। मांडवाली तो बचा लेगा संजय जी, लेकिन महाराष्ट्र इनके हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा, वहां कोई बचेगा नहीं। देवेंद्र फडणवीस ही जो किसी तरह से बीजेपी को वहां बचाए हुए पिछले 10 साल, ये तो आप मानोगे, वरना बिल्कुल वहां बीजेपी खत्म हो जाएगी एकदम। है नहीं कुछ इनके पास, लीडरशिप ही नहीं है वहां पे, शून्य है बिल्कुल। अब तो इन्हें कोशिश, अब इन्हें कोशिश, आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि पिछले 10 साल में कौन सी लीडरशिप डेवलप करने का प्रयास किया गया? नहीं महाराष्ट्र में तो कुछ भी नहीं है, वहां तो बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। हाँ, अभी 3 चुनाव जीते ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या किया यहाँ? नहीं यहाँ तो कोई लीडरशिप डेवलप नहीं की। मुझे लगता है कि ये अननोन चेहरों को चीफ मिनिस्टर बना देना, इसी को लीडरशिप डेवलप करना मानते हैं शायद ये कि नए चेहरे को लाके एकदम सुपर स्टार बना दो। आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नया चेहरा लाओ और नए चेहरे को, लेकिन आप नए चेहरे को काम करने दोगे ना तब वो डेवलप होगा ना। काम करने देते हैं क्या नए चेहरे? वो तो है। आप किसी राजस्थान वाले से पूछ लीजिए वो क्या कहते हैं सरकार को, वर्तमान जो सरकार चल रही है, बताइए। आप राजस्थान में बैठे हैं, बताइए क्या कहते हैं। ये पर्ची की सरकार है, जब पर्ची आती है और पर्ची आती है बस, ऊपर से जो पर्ची आती है उसके हिसाब से काम हो जाता है। कुछ भी काम करवाना छोटे से छोटा, ऊपर की पर्ची लाओ पहले। वो मुझे लगता है कि फिर तो फिर वो बात आ जाती है, फिर योगी जी पे घूम के आ जाती है, फिर सबको इन्हें लगता है कि फिर हर जगह तो योगी खड़े हो जाएंगे, फिर वो भी समस्या हो जाएगी। अरे तो भाई कब तक चलाएंगे, तीसरा टर्म है, अजर अमर तो योगी जी, मोदी जी भी नहीं है, अजर अमर है क्या? नहीं नहीं सही बात है, तीसरे टर्म के बाद तो सोचना ही चाहिए वास्तव में। अच्छा ये भी नहीं भाई, आगे नाथ ने पीछे पगहा। आपकी कोई फैमिली नहीं, आपका कोई कुछ नहीं, तो आपको क्या लाग डांट है भाई? उस मामले में आप बिल्कुल, उस मामले में आप बिल्कुल राहुल विंची के समान अंतर खड़े हुए। फैमिली वाले मामले में तो राहुल विंची के बिल्कुल बराबर हैं आप। अब आपका एक प्रिय और कोई दूसरा प्रिय है वो बनना चाहता है, अरे भाई वो बनना चाहता है तो आप क्यों उसके चक्कर में जो है वो अपना इतना अच्छा जो आपने 15 साल जो बनाया है उसको कलंकित कर रहे हैं। हाँ सही बात, ठीक कह रहे हैं आप, नहीं करना चाहिए उसमें। बहुत अच्छा मौका है, अभी भी देखिए हरियाणा में कांग्रेस वाले आपस में एक दूसरे का गला काटने में लगे हुए हैं। अच्छा मौका है। हरियाणा में संजय जी इनकी स्थिति बड़ी खराब थी, अब मुझे लग रहा है कि चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है बीजेपी के लिए ठीक स्थिति बनती जा रही है हरियाणा में। वो तीनों जाट, दो जाट और एक शैलजा, तीन जाट और शैलजा चारों आपस में मिलकर एक दूसरे की ऐसी तैसी करने में लगे। हाँ उधर से केजरीवाल आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि 90 की 90 सीट लड़ेंगे, उधर वो बसपा वाले से हाथ मिला लिया उसने INLD वाले ने, तो वहां तो बीजेपी के खिलाफ का जो वोट है वो सारा बट रहा है इस समय। तो ये तो इनके लिए जो है वो, लेकिन वही समस्या है ना, आप हम लोगों ने कितनी बार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण कर लिया और एक निष्कर्ष जो है वो स्पष्ट रूप से आ गया कि साहब हर निर्णय से योगी जी को परे रखा गया। हाँ क्या करना चाहते थे, साइडलाइन किया गया, और यहाँ तक कि जब किसी ने कहा, केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कह दिया, उसका भी आपने आधे का खंडन कर दिया, योगी जी वाले पार्ट का खंडन नहीं किया। और उसके बाद जो है आप देख लीजिए, मैंने तो आपको एनालिसिस करके बताया था कि जो 33 सीटें आई हैं उसमें 22 जो है वो पहले तीन में आई, 11 दूसरे तीन में आई, दूसरे चार में आई, और पहले तीन के बाद यानी 11 मई को ये स्टेटमेंट दिया था
केजरीवाल ने, तब तक तीन ही हुए थे और हाँ, उसके बाद 11 आई हैं और उस 11 में से उस 11 में से पांच योगी जी वाली है ज्यादातर, वो योगी जी वाली है। सही बात। तो ये स्थिति यूं इन्होंने खराब की है, अपने आप खराब की है, कोई ऐसे थोड़ी की है। तीन में अब आप ये देखो कि बाकी जो छह हैं उनमें कौन सी सीट है। आप प्रयागराज जैसी सीट नहीं जीत पाए, लखनऊ जीत गए, उसमें से लखनऊ है, गोंडा, कैसरगंज, ये सीटें हैं उसमें। तो कैसरगंज की तो पर्सनल है उसकी, ब्रजभूषण की, वो तो उसकी अपनी सीट है। चार ये, एक एक भदोही और एक फूलपुर, एक बनारस। बनारस ये सीटें ये जीते, बाकी योगी जी वाली सीटें और कोई सीट। तो फिर आप, मुझे लग रहा है कि आप योगी, आप योगी जी के खिलाफ जो है माहौल बनाओगे आप बीजेपी में। मुझे लग रहा है देखो जी, आप देख रहे हो, जो जो चिराग पासवान से डर जाए वो योगी के खिलाफ कार्रवाई कर लेगा, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल सही है। कि एक चिराग पासवान का एक स्टेटमेंट आया और आपने डिसीजन अपना वापस लिया। इसलिए सब जो है वो अब कुछ नहीं होगा। अब जहां पर केवल, हाँ ये अवश्य है कि अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जो मुसलमानों की बैंड बजाने वाला जो निर्णय है वो होंगे, उसके अतिरिक्त इनको जो है अब अपना स्थिति रिक्लेम करने का और कोई चारा नहीं है। उस पर इनको को योगी जी की पिच पर अब चलना पड़ रहा है और चलना पड़ेगा। योगी जी ने तो कई काम बहुत बढ़िया करे, मैं आपको बताता हूँ कि वो एक वो दो दो मोहल्ले थे वहां पे, उन पे बुलडोजर चलना था वहां पे लखनऊ में। योगी जी को पता लगा कि उसमें हिंदू इलाका है, वो लैंड यूज चेंज करने वाला, सिंचाई विभाग की वाले जो जमीन का मामला था, तो योगी जी ने उसको रुकवा दिया। और वो जो वो कौन सा है, वो अकबर नगर कहां पे, वहां बुलडोजर चलने थे वहां चलवाया। योगी जी तो बिल्कुल अपना है, वो तो कावड़ वाला, वो तो एक के बाद एक करे जा रहे हैं, अपना नजूल की जमीन वाला ले आए हैं, वो तो सब परफेक्टली अपना काम करे जा रहे हैं। और योगी को यही करना भी चाहिए, 7 साल पहले लोग, इसलिए योगी के आने से यही माहौल बना था, करना भी चाहिए। नहीं, योगी तो जो जिस चीज के लिए योगी जाने जाते हैं वो तो योगी कर रहे हैं। उनको जो है अगर इन्होंने ठीक से उपयोग में लिया होता लोकसभा में तो आज की स्थिति भी ना होती। लेकिन यदि आज की स्थिति ना हुई होती तो ये योगी को हटा देते। हाँ ये भी सही बात है। इनके सामने कुछ था भी नहीं उस समय, लगता कि भैया योगी तो चली नहीं, हमने जितवा लिए अपने सारे के सारे, तो फिर तो और भी माहौल खराब हो जाता है। तो जो भी हुआ योगी जी के समर्थन में ही हुआ, सही कह रहे हैं, बढ़िया माहौल है। अब तो मैं तो कह रहा हूँ कि संजय जी फिर कह रहा हूँ, बस मिल्कीपुर जीतनी है, फिर देखना सारा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। मिल्कीपुर तो मैं गारंटी से दे सकता हूँ कि मिल्कीपुर तो जीतनी ही जीती ही जीती है, मिल्कीपुर और कटहरी। योगी जी का मामला है, साम दाम दंड भेद सब चलेगा वहां पे, होना चाहिए, मजा आएगा। वो मिल्कीपुर में तो वैसे ही माहौल खराब हो गया ना उस बच्ची के कारण। हाँ अयोध्या वाला वो जो मोहित खान ने जो वो रेप किया वो निषाद बच्ची का, तो वो पूरा का पूरा निषादों ने तो बीजेपी के खिलाफ जाके वोट किया था ना काफी कुछ। हाँ सही कह रहे हैं आप, वो पूरा एक बड़ा तबका जो है वो वहाँ चंक पूरा का पूरा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई 20,000 निषाद है, वहां से कोई 15-20 हजार की लीड लेके निकला था मिल्कीपुर से। अब पता चलेगा कटहरी बगल में संत अम्बेडकर नगर में, मिल्कीपुर वाली सीट तो अपने पास ही रखी है योगी जी ने, मिल्कीपुर कटहरी दोनों दोनों में निषादों की अच्छी आबादी है। मिल्कीपुर मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ कम से कम 15,000 से जीतेंगे ये बीजेपी वाले। कटहरी भी जीतेंगे, थोड़ा कम से जीतेंगे, कटहरी भी जीतेंगे। इसीलिए तो घबराए हुए हैं हमारे वो मांडवली वाले
केशव प्रसाद जी घबराए हुए। केशव प्रसाद जी ने कल क्या कहा पता है ना आपको? मोदी जी कल एक वीडियो चल तो रहा था उनका, और पूरे पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ सीएम जो है वो योगी जी है। वो देखिए क्या होता है संजय जी, सारी चीजें ऊपर से चलती हैं। जब ऊपर से आपको इशारा मिलता है ना, सब समझ जाते हैं। जब देखा कि कुछ बनने वाली नहीं है बात, तो ये कहना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। और चलिए तो आइए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जयपुर डायलॉग के दर्शकों से भाई निवेदन है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारा 1 मिलियन करवाएं फटाफट, अटकी हुई है हमारी गाड़ी थोड़ी सी। हाँ भाई, सारे सारे लोग जो है हर्ष जी को चैनल को जो है वो तुरंत, आप लोग जो नहीं किए हैं वो जाएं और सब्सक्राइब करें, हमारी तरफ से भी विशेष अनुरोध है। और हर्ष जी जो है वो जयपुर डायलॉग एनुअल समिट में भी आएंगे, उनसे आपको यदि भेंट करनी हो तो आप लोग अवश्य आए। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, पिछले वर्ष हम नहीं बुला पाए थे कि उस समय तक जब हमारा वार्तालाप आरंभ हुआ था तब तक थोड़ी लेट हो गए थे, इसलिए नहीं बुला पाए थे। इस बार हर्ष जी भी आएंगे और भी बहुत सारे लोग आएंगे, तो आप लोग पूरी तरह से यहाँ आए, रजिस्टर कराएं और इस पूरे आयोजन में भाग लें। तो बंद करते हैं आज का कार्यक्रम यहीं पर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को और हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।